प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह शांति और आशीष मिले। विल्बर फोर्स करके एक व्यक्ति थे और कुछ ऐसी बात थी कि वो अपने आप को ही पसंद नहीं करते थे। उनका जन्म लगभग 1760 ईस्वी में हुआ था और करीब 73 वर्ष उन्होंने जीवन में बिताए। वो एक बहुत छोटे कद और शरीर के थे और कभी भी उनको अपने जीवन के ज्यादातर हिस्से में अच्छी सेहत का आनंद नहीं मिला। 20 साल तक उनको डॉक्टर के आदेश मानने पड़े और दवाइयां लेकर ही अपने प्राण को अपने शरीर के साथ जोड़ के रखते थे, यानी दवाइयों से ही उनका जीवन चलता था। इतना वो दवाइयों पर डिपेंडेंट थे, इतनी उनकी हेल्थ कमजोर थी। लेकिन यही व्यक्ति विलियम विल्बरफोर्स, इसने इंग्लैंड के गुलामों के व्यापार को खत्म किया। इसने आवाज उठाई, इसके जीवन में एक परिवर्तन आया, ये प्रभु यीशु का विश्वासी बना। और फिर उसको ये बात गलत लगने लगी कि ये क्या हो रहा है, और उसने इस पूरे गुलामों के व्यापार जो इंग्लैंड करता था उसको रोका। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जबकि दिखने में इतना कमजोर था लेकिन उसने बहुत सामर्थी काम करके दिखाया। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम बॉसवेल था और वो एक जीवनी लेखक थे, बायोग्राफर थे और डायरी लिखते थे और एक वकील भी थे। और बॉसवेल अपने एक साहित्य के कारण बहुत मशहूर थे और वो साहित्य उन्होंने एक बायोग्राफी, एक जीवन का लेख या किसी व्यक्ति की जीवन कथा लिखी थी और वो इतनी अच्छी और सुंदर लिखी थी कि उस कारण बॉसवेल बहुत मशहूर थे। और किसके लिए लिखी थी उन्होंने? सैमुअल जॉनसन करके और एक ऐसे कवि, जीवनी लेखक, निबंधक और जो डिक्शनरी लिखते थे उनके बारे में बॉसवेल ने जीवन कथा लिखी थी। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब बॉसवेल क्या कहता है विल्बरफोर्स के बारे में। तो बॉसवेल कहता है कि एक बार मैं इस विल्बरफोर्स, जिसने गुलामों के व्यापार को खत्म किया, मैं उसके भाषण को सुनने गया। बोला जब वो स्टेज पर चढ़ा भाषण देने के लिए तो ऐसा लग रहा था कि एक झींगा मछली है, इतना उसका छोटा शरीर और कद था कि झींगा मछली जो लोगों ने देखी है, छोटी सी मछली होती, लोग खाते भी हैं। बोला झींगा मछली जैसे दिख रहा था ये। लेकिन फिर बॉसवेल कहता है जब मैं उसकी बात सुनता रहा तो वही झींगा मछली एक वेल मछली बन गया। उसकी बात में इतना दम था और इसलिए वो इंग्लैंड के उस दुष्ट गुलाम के व्यापार को खत्म कर पाया। और कई बार जो चीज कमजोर दिखती है या जो व्यक्ति कमजोर दिखता है आंखों से, वही अद्भुत और बड़े काम कर जाता है। एक व्यक्ति कमजोरी में आ गया, यानी एक मुश्किल परिस्थिति में आ गया। उसका नाम ओल बुल था, ओल बुल, और ये बहुत बड़ा वायलिनिस्ट था, वायलिन बजाता था। और एक बार वो पेरिस में अपना शो दे रहा था
और शो देते टाइम उसके वायलिन का एक तार टूट गया। वायलिन में चार तार होते हैं जिनके नाम होते हैं ई, ए, डी और जी, इसी नाम से जाने जाते हैं। गिटार में ज्यादा तार के नाम होते हैं और ज्यादा तार होते हैं, लेकिन वायलिन में चार होते हैं ई, ए, डी, जी। तो जब वो बजा रहा था अपना इतना बड़ा कॉन्सर्ट शो दे रहा था तो ए वाला तार टूट गया और तीन तार बचे, लेकिन उसने उसमें हार नहीं मानी। उस मुश्किल स्थिति में, एक प्रकार से कमजोर स्थिति में, उसने रचना को ही, जो म्यूजिक की जो रचना थी, कॉम्पोजिशन थी, उसी को तुरंत बदल दिया और तीन तारों पर शानदार ढंग से उसने समाप्त किया। तो कई बार परिस्थिति कमजोर दिख सकती है लेकिन परिणाम बहुत अद्भुत और सकारात्मक रह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया तो ऐसा लग रहा था कि बड़े कमजोरी में इस आदमी के साथ इतनी बर्बरता की, जब वो कमजोरी में था। बाइबल बताती है वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो लोगों ने सोचा एक कमजोर बढ़ाई है, एक गरीब आदमी है जो कुछ दिन के लिए गुरु बन गया, लोगों को उसकी कमजोरी दिख रही थी, निर्बलता दिख रही थी। ये सच बात है, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है मनुष्य बनकर आया, लेकिन उसने कभी भी अपने परमेश्वर का अधिकार अपने स्वयं की सेवा के लिए उपयोग किया, कभी भी नहीं किया। हमेशा उसने अपने परमेश्वर की सामर्थ को, जो उसकी अपनी स्वर्गीय सामर्थ थी क्योंकि वो परमेश्वर था, औरों के लिए उसने उपयोग किया। उसने कभी अपने लिए आश्चर्यकर्म करके रोटी और पानी नहीं बनाया, औरों के लिए किया। जब लोगों ने उसको थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, उस पर थूका, वहां पे दो कौमें थी, दोनों ने उस पर थूका, उसके सिर पर कांटों का ताज भोग दिया, उसके माथे तक कांटे, बड़े बड़े कांटे घुस गए, और फिर सिर पर डंडा मारा, उसने चुपचाप सब कुछ सह लिया। किसी को लगेगा अरे कमजोर है, डर रहा है, इसलिए कुछ नहीं बोला, लेकिन सच बात यह थी, ये सारा दुख उसने मेरे और आपके लिए सहा, चुपचाप सहा। जो धर्म गुरु थे, जो उसके क्रूस के आसपास आ जा रहे थे, वो इस तरह से ठट्टा उड़ा रहे थे, आपस में ठट्टे से कहते थे कि इसने औरों को तो बचाया लेकिन अपने को नहीं बचा सकता। अरे औरों को इसने मुर्दों में से भी जिंदा किया, कोढ़ियों को भी शुद्ध किया, अंधों को भी आंखें दी, गूंगों को बोली दी, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, और देखो अपने आप को नहीं बचा सकता, कितना कमजोर व्यक्ति है। लेकिन वो आंखों से दिखने वाली कमजोरी, वो कमजोरी नहीं थी, वही उसकी सामर्थ और बड़प्पन था कि वो जगत के पापियों के लिए उस क्रूस पर दुख उठा रहा था, हमारे लिए प्रायश्चित किया। जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते हैं वो कहते हैं कौन था वो, उसको तो सूली पे टांग दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसका उस क्रूस पर टंग जाना हमारे पापों के लिए प्रायश्चित का एक बलिदान था, और अपनी इच्छा से था। उसने कहीं भी
अपना बचाव या अपने सेवकों को कहा कि मुझे मेरे लिए लड़ो ना। उसने कहा अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक मेरे लिए लड़ते, उसने गवर्नर से कहा। लेकिन वो कहता है मैं अपनी इच्छा से अपने प्राण को देता हूं। जो कहते थे अपने आप को नहीं बचा सकता, उसका उत्तर है वो अपने आप को नहीं बचाएगा, ना बचाता। क्यों? क्योंकि वो ही हमारे उद्धार के लिए रास्ता था। क्या जब एक भेड़ का ऊन कतरा जाता है या एक मेमने को वध किया जाता है, क्या वो कोई विरोध करता है? क्या वो लड़ता है? नहीं। वैसे ही प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना बन गया और अपनी इच्छा से अपने प्राण को दे दिया, परमेश्वर का वो मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इसलिए उसकी मृत्यु उसकी कमजोरी नहीं थी बल्कि उसकी जीत थी, और वो उसने आनंद से सही। लिखा है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। उसने आनंद के साथ उस क्रूस का दुख सहा। जो आनंद उसके सामने रखा था वो आनंद क्या था? वो आनंद मेरे और आपका उद्धार था कि मनुष्य नरक के भयानक दंड और अग्नि से बच जाए, जो अनंत काल का दंड है जिससे कोई भी छुटकारा नहीं है। वो क्रूस का बलिदान ही मेरे और आपका छुटकारा है यदि हम विश्वास करते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी सामर्थ के साथ वो तीसरे दिन जी उठा। जो सोच रहे थे खत्म हो गया क्रूस पर, प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, सदा के लिए जीवित है। हमारे पापों को, पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया, और आज जब एक पापी विश्वास करता है तो वो अनंत जीवन पाता है, पापों की क्षमा पाता है। प्रभु यीशु उसके जीवन में, हृदय में अब वास करता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दें।